7 दिन में आपके अकाउंट प्रॉफिट मार्जिन आपके प्रॉफिट मार्जिन आपको अराउंड 30% तो मिले सब। कुल हाल तो ये एक स्टैम्प मिल गई है 200 रुपए का, 200 रुपए की स्टैम्प मिली हमें, तो 200 रुपए की एक है भाई। वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज में हम चायकॉन में, चायकॉन जैसे कि आपको पता है ई कॉमर्स की एक नुमाइश चल रही है, तो अब हम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है जैन मेहमान साहब। जैन मेहमान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। और क्या यहाँ पे क्या सोच के आए हो भाई? अभी तो कुछ सोच समझ के नहीं आए, यही सोच समझने के लिए इधर आए कि क्या करना है आगे। अच्छा, ये है कि अभी तो पहले 200 रुपए का सदमा पड़ा, पाकिस्तान का झंडा लगाया, 200 रुपए खर्च कर लिए। अच्छा, 200 रुपए खर्च करके आपको क्या मिला? 200 रुपए का सदमा खर्चा करके अभी लिप्टन वालों ने चेकिंग एंट्री की है, बस अब अंदर जाके देखते हैं कि ये वसूल होंगे नहीं होंगे। अच्छा, 200 रुपए जाया जाएंगे या अभी भी? तो आपको क्या लगता है, इस नुमाइश से कुछ फायदा वायदा होगा या खाली बस एवं शशके नहीं, गुर्बत बहुत है। बस उसने एक 50,000 एम्प्लॉइज का एक उन्होंने दिया है तो सारे पहुंच गए, हम भी और आप भी गुर्बत के मारे। चले देखते हैं आज क्या करते हैं। तो चले आए विजिट। सारी जो चीजें ये सब वो 1,00,000 रुपए में आप अपनी पैकेजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें किस तरह आप मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह सप्लाई कर सकते हैं, टैग लगा के कितने यूनिटी इन्वेंट्री मेंटेन है, आइडिया तो लोग की वीडियो देख देख के करो। बाहर से सामान और सारी चीज़ें मंगवाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, सारा करके देते हैं, बस इनकी कमीशन होता है वो पे करना। अच्छा, तो तुम्हारी तुम्हें क्या लगता है इसमें फ़ायदा होता है? नए बंदों के लिए जैसे हमारा जो आइडियाज होते हैं ना, कहाँ से सोर्स करें, कैसे लाए, कैसे दुबई भिजवाएं, उसमें ये इन्होंने एक अलग बनाया है, तो ये अच्छे इनिशिएटिव है, चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब जैसे हम नए लोग हैं, मुझे भी नहीं पता यार दुबई से कैसे सोर्स करूंगा, वहाँ को कैसे भेजूंगा कैसे, तो उसमें ये काम आता है। तो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ये बीच का मीडिएटर है, बीच का वो एज इंडेंटर आई थिंक काम करते हैं, इंडेंटर इंडेंटिंग करना सबसे। ये फ्रेंचाइज सेल कर रहे हैं। आईकॉन में भाई सुना तो बहुत कुछ लगे, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन खैर यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स भी हैं, काफी सारे फ्रेंचाइज भी हैं, काफी सारे ब्रांड्स भी हैं जो कि अपने कहते हैं मार्केटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, साथ के साथ ये लोग जो ऑफर भी कर रहे हैं कि अगर आप इनके साथ मिलकर बिजनेस बढ़ाना चाहें तो आप बिल्कुल इनकी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस। तो जरूर आप विजिट करें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको आइडियाज नहीं है कि आप कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है कि यहाँ पे विजिट करें। विजिट करके आपको शायद हो सकता है कहीं पे भी आपका दिल ललचा जाए और कहीं पे भी आपकी सेटिस्फेक्शन मीट कर जाए और आप वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो हमारे साथ मौजूद है जैन मेहमान साहब। जैन मेहमान साहब आप बताओ आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? मैं तो अभी अपनी फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, स्कूल खोलना चाहूंगा। तो यहाँ पे कोई नहीं, समझ नहीं आ रही, इतनी सारी फ्रेंचाइज है, इतनी सारी ये सब अपने ब्रांड्स हैं, बेच रहे हैं, ये सारे अपने मंजिल बेच रहे हैं, अपने मंजिल बेच। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन मेरी जो थी कि यार कुछ वाकई यूनिक चीज होगी, लेकिन यहाँ के थोड़ा सा मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अलावा और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अलावा ये लोग अपनी
मार्केटिंग ज्यादा करें। ठीक है, अभी हमने हॉल नंबर 1 विजिट किया, इसमें मोस्टली जो है ये चीजें हैं कि लोग अपनी ही चीजें बेच रहे हैं और अपना ही बिजनेस ग्रो अप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि न्यू पर्सन को हम हायर करें, मुझे फैक्ट्री लगाने का कहा था तो हम देखते हैं नेक्स्ट हॉल में कुछ है या नहीं, वैसे अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा है। लेकिन ये भी जो ना मकसद कि मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास एक इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन 5 लाख वही बंदा यहाँ पे आके कुछ कर सकता है, लेकिन अगर कोई चाहे बंदा कम इन्वेस्टमेंट हो या उसके पास खाली दिमाग हो तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे उसको कुछ यूटिलाइजेशन हो सकेगी। आपकी क्या राय है? जो हॉल नंबर 1 में जो है इसमें अभी मुझे ये भी नहीं लग रहा कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ इस टाइप का नहीं है कि बस ये है कि यहाँ 2-3 स्टॉल हैं, उसमें ये है कि वो आप उनकी फ्रेंचाइज ले लो, दैट्स इट। फ्रेंचाइज तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा एज फार एज आई थिंक एज फार एज आई गेस के यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि ये ओवररेटेड ज्यादा हुई हुई थी, और जो मतलब ओवररेटेड थी वो चीज मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट ऑल विजिट करने के बाद बताऊंगा कि ये नहीं होगी बाद में हमारा पछतावा हो जाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा, तो भाई हम लोग भी ज्यादा पंगे नहीं हो रही है, हम लोग ज्यादा पंगे नहीं दे सकते, और हमें फिलहाल तो ये स्टैम्प मिल गई है 200 रुपए का, 200 रुपए की स्टैम्प मिली हमें, तो 200 रुपए की एक है भाई, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ज़ैनम मार्केट से उठाने में और यहाँ से उठाने में क्या फर्क है? इसमें ज़ैनम अगर आप होलसेल की बात करते हैं, ज़ैनम मार्केट में कोई भी अपना ये प्राइसिंग देगा ना ही एमओटी देगा। अभी आपकी क्या प्राइसिंग है? हमारी प्राइसिंग लीज बेस टी शर्ट स्टार्ट होगी 260 रुपीज से, और वो पोलो के शर्ट जो आती है अगर मैं बात करता हूँ तो 550 रुपये से हमारी क्वालिटी स्टार्ट। अच्छा, और इसमें ब्रांडिंग किस टाइप से करनी है? इसमें ब्रांडिंग और प्लेटफॉर्म कोई सा भी स्टार्ट आप प्रिफेयर करेंगे? हम प्रिफेयर कर सकते हैं, हम आपको ओन वेबसाइट से आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको एक प्राइवेट लेवल सारी क्लोथिंग बहुत कम मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी में ऑफर करते हैं। अच्छा, कितने में होगी प्राइवेट लेवल? प्राइवेट लेवल आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत छोटी लिस्ट से, बहुत बड़ी लिस्ट नहीं, बहुत छोटी लिस्ट से अगर स्टार्ट करें, इसमें 3-4 आर्टिकल रखते हैं तो अपने 20,000 रुपए से भी हम इतना स्टॉक ले सकते हैं कि आप छोटी मोटी सेलिंग कर सकते हैं। आज से 7-8 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था जज्बा पांडे नाम से, ये सारी चीज़ें की थी, तो मसला ये हुआ था कि एक ही साइज की 3 शर्टें लेनी पड़ रही थी, 6 शर्टें लेनी पड़ रही थी। नहीं, हमारे पास एमक्यू इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर आपको मिसाल के तौर पर 50 टी शर्टें चाहिए तो आप 50 के अंदर सब कुछ मिक्स ले सकते हैं, मर्जी के साइज़, मर्जी के कलर। क्योंकि होता ये था कि मैंने उठाई 5,000 रुपये हमारे हुआ सेल, 4,000 का रह गया। ठीक है, वो अब ऑर्डर आ ही नहीं रहा, वो फिर रिटर्न नहीं होता था? नहीं, हमारे पास आप रिटर्न भी कर सकते। अच्छा, तो वही फिर ना जो प्रॉफिट होता था उसमें आपसे बात करते हैं। लॉजिस्टिक भी मेरी है कंप्लीट, उसके अंदर मैं आपको दूंगा होलसेल प्राइस बता पा रहा हूँ, एक नंबर क्वालिटी कंप्लेन आई, मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज का। आप तो बेचो, डिस्पैचिंग, कॉलिंग, कैंसर पेशे सब कुछ हमारा, प्रॉफिट 7 दिन में आपके डाउन। और क्या मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन? प्रॉफिट मार्जिन आपको अराउंड 30% तो मिलेगा सब कुछ निकालने के बाद। जी बिल्कुल, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बिकॉज क्योंकि 1450 रुपए का ट्रैक सूट जो हम लोग होलसेल में देते हैं वो मार्केट में 2700 का बिक रहा है रिटेल में। आप 2700 का बेचो उसको, 2800 का बेचो, 3100 का बेचो, और आपकी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट पे, आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ मार्केटिंग की है। जितने भी आपके ऑर्डर आए डिस्पैचिंग हम लोग कर रहे हैं, रिटर्न आया हमारा है, वो आपको शीट शेयर कर देंगे डॉक्टर के जरिए,
स्टोर डिलीवर हुए, हम सिर्फ आपको प्रोडक्ट कॉस्ट काटेंगे आपकी, सही है, और आपके अमाउंट दे देंगे, नेम भी आपका जाएगा, नेम आपका जाएगा, जिस नाम से आप काम कर रहे हैं। अच्छा, और हम आप हमारा हमारा अकाउंट आपके पास होगा, अकाउंट नाम से जाए, डिलीवरी किस तरह होगी आपके ऊपर है, अकाउंट नहीं, कोई अकाउंट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्डर आया, ठीक है, मैंने आपको फेच कर दिया, आपने डॉग फेच कर दिया, हां ठीक है, कॉलिंग मैंने आपके नाम से, मैंने कॉलिंग तो आपका ब्रांड है। अच्छा, अगर मुझे आप फ्लायर दे देंगे अपने, तो उसी फ्लायर में पैक करूंगा, हमारे से कोई हेड नहीं, आप लोग अपना ब्रांड को ग्रो करें, इन्वेस्टमेंट हम लोग ही करा सकते, प्रोडक्ट आपका और हमारा, स्किल्स आपकी, सब कुछ हमारा भाई, 3200 का ही बेचो, 2700 का ही बेचो, 400 रुपए नजारा हमारा, वो भी हमारा, वो भी हम आपको अमाउंट नहीं काटेंगे अपैरल की, कोरियर कॉस्ट उतरेगी वो तो आपकी है ना यार। तो बहुत अच्छा मॉड्यूल है, लोग मेरे साथ 12 लोग काम कर रहे हैं सर, और 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे महीने का भाई, आसान सब हम देंगे, पिक्चर्स भी हम देंगे, वीडियोस भी हम देंगे। रजिस्टर होने का प्रोसीजर क्या होगा? रजिस्टर होने का सिर्फ आप मुझे अपना व्हाट्सएप दे, आपके वेबसाइट का मुझे लिंक भेजे, आप देखिए आपकी वेबसाइट वाकई फिजिकल है, हम आपकी जगह आइटम दे दिए मैंने आपको, आप अपलोड कर दें अपने पास, और मार्केटिंग कर, और जिसकी वेबसाइट नहीं है वो सोशल मीडिया के थ्रू कर सकता है, सोशल मीडिया अकाउंट दें आपको, मैं उसमें आप ग्रुप ऐड कर दूंगा, ठीक है, आपको एवरी वीक ब्रॉडकास्ट करिए आइटम पहुंचते रहेंगे, ठीक है, तो मुझे नंबर शेयर कर दें, एक कार्ड बदे, थैंक यू बहुत शुक्रिया। इको पे टर्बो पे तो 40 वॉट पे बज गया, टर्बो पे तो 42 पे बज गया है, तो दिस इज नॉट बेड, अभी मैंने आपको दिखाया अभी कि एक ही जो है एक साहब तो उनके पास जो कहते हैं अपॉर्चुनिटी वो दे रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप उनकी चीज़ें वगैरह उनसे बाय करके और अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अगर सोशल मीडिया आपको चलाना है सोशल मीडिया की मार्केटिंग करके उसको सेल भी कर सकते हैं, हाँ उसमें अगर उसमें कोई मसला की अगर आपको उसको रिटर्न दे तो रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी वगैरह भी है, तो बाहर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो हर चीज़ बुरी नहीं है भाई, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और लेकिन थोड़ा सा ओवर रेटेड भी है, तो ये तो आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, ये भी आज की हमारी जो है आपके लिए काविश, तो आप यहाँ पे आने का मकसद खास तौर पर आपके लिए आपको एक थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड करना था, तो ये हमने करा, तो उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया, वो चले अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दानिश भाई सारा हमने सर्वे कर लिया है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, सब करने के बाद थक हार आए, अब हम पी रहे हैं चाय, यार कम से कम इज्जत से तो रख लो, ऊपर तो उठा के रख लो, ऊपर रखूंगा तो नीचे गिर जाएगी और नीचे से सब ऊपर आ जाएंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में ये है कि यार एक ही चीज़ हमें काम की मिली जो कि ऐसा से ये है ना, ये था ना ट्रेंड आउटफिटर, हाँ दो तीन चीजें थी, ये तो फ्री इन्वेस्टमेंट थी तो इस वजह से काम की थी, तो ये तो अच्छी मुझे इसके लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, इतना कॉस्ट आएगी नहीं,
ये इजीली लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं भी ये सोच रहा था कि यार अगर क्या है बंदा मतलब पार्ट टाइम में तो कर ही सकता है ये, कोई इतना कोई मसला नहीं है, हंसते खेलते कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेगा। तो बहरहाल ये एक अच्छी चीज मिली, ये एक पॉजिटिव पॉइंट मिला, बाकी इतना खास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। वेल अगर आप लोग आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, बस बहरहाल चलें। अब आखिर में क्या कहना चाहोगे? गुड बाय। गुड बाय, ये अच्छा था। मेरे दोस्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब और विजिट करें, बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, हालांकि मैं अपने काम के लिए लाया था, ये अपने काम कर रहा है इधर बैठ के। तो भाई दोनों के अपने काम होते हैं ना, तुम्हें कुछ खास चीज नजर आई? आइडियाज के लिए लाया था। चले दोनों काम हो गए। आइडियाज क्या मिला तुम्हें? एक वो राइस वाला आइडिया मिला, वो कैसा लगा? राइस भी अच्छा है, दो तीन चीजें अच्छी लगी, बस मुझे ब्रॉडवे की फ्रेंचाइज फीस सुन के मेरा दिमाग हिल गया है। किसमें? ब्रॉडवे की फ्रेंचाइज तो टू मच एक्सपेंसिव यार, असल के आप तभी 7 मिलियन आपको इन्वेस्ट करना है। नो, उसके अलावा मार्जिन के लिए अलग होना चाहिए। 6.5 मिलियन 10 ईयर की लीज है, देन द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 15 लाख फॉर 1.5 मिलियन का डिपॉजिट है जी, और उसके अलावा रिक्वायरमेंट उसकी अलग है। अराउंड अगर आप खोलना चाहेंगे तो ये मेरे को 15 to 20 million के अराउंड बैठेगा। वर्किंग कैपिटल भी तो लगाना पड़ेगा ना, वो सब मिला के वर्किंग वगैरह, फिर फॉरेन थोड़ी चलेगा। अच्छा दूसरी बात, ये तो इनकी बात हो गई कि ये लोग हमें नाम देंगे, अपनी गुडविल देंगे ना, और साथ के साथ हमें जो जगह हमें चाहिए होगी उसकी सब में हेल्प करेंगे, लेकिन प्राइस आपको पे करनी है। तो मतलब वो भी जो इन्वेस्टमेंट लगेगी सब मिला के 20 million कह रहा हूँ। टू मच एक्सपेंसिव यार, ये तो मतलब एक छोटा बंदा तो सोच ही नहीं सकता। इसमें हम पिज्जा मैक्स वगैरह की, पिज्जा मैक्स वाले फ्रेंचाइज नहीं देता, आई थिंक पिज्जा पॉइंट दे सकता था उसने, बट बंद कर दिया। सही, चलो आखिर में अल्लाह हाफिज। हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, DMB जिंदाबाद।